बेमौसम हुई बारिश के बाद सीतापुर की 3 तहसीलों के सैकड़ों गांव बाढ़ प्रभावित हो गए, जिससे करीब रामपुर मथुरा के लगभग 2 दर्जन विद्यालयों में पानी भर गया और नौनिहालों का भविष्य पानी में कैद होकर रह गया है। अगर बात करें पानी भर जाने वाले विद्यालयों की, तो उनमें प्राथमिक विद्यालय बुद्धिपुरवा, प्राथमिक विद्यालय टेडवा मानिकपुर, प्राथमिक विद्यालय लुनियनपुरवा, प्राथमिक विद्यालय पारा रामनगर, प्राथमिक विद्यालय खुनापुरवा, प्राथमिक विद्यालय लुनियनपुरवा, प्राथमिक विद्यालय पांडेपुरवा, कंपोजिट विद्यालय शुकुलपुरवा, प्राथमिक विद्यालय मनेरा, प्राथमिक विद्यालय सिरकुंडा, प्राथमिक विद्यालय राजा इशरौली, प्राथमिक विद्यालय सोनरक पुरैना, प्राथमिक विद्यालय रमुआपुर, प्राथमिक विद्यालय धांधी, प्राथमिक विद्यालय भयापुर, प्राथमिक विद्यालय दरियापुर, कंपोजिट विद्यालय अंगरौरा, प्राथमिक विद्यालय कनरखी, प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुरवा, प्राथमिक विद्यालय गोड़ा देवरिया, प्राथमिक विद्यालय मथुरापुरवा, प्राथमिक विद्यालय तिवारीपुर, कंपोजिट स्कूल मुरादपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय अटौरा, कंपोजिट विद्यालय सोहरिया, प्राथमिक विद्यालय कटुआघाट, प्राथमिक विद्यालय रायशेनपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकटा, प्राथमिक विद्यालय कोठार, प्राथमिक विद्यालय रमईपुर, प्राथमिक विद्यालय केवड़ा, कंपोजिट विद्यालय इटिया, प्राथमिक विद्यालय भगवतीपुर, प्राथमिक विद्यालय पढ़ुका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मितौरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय मझगवा, कंपोजिट विद्यालय तुलसीपुर बंजर, प्राथमिक विद्यालय बरियारपुर, प्राथमिक विद्यालय कलवापुर, कंपोजिट विद्यालय देशी लौकिया, प्राथमिक विद्यालय अफसरिया, प्राथमिक विद्यालय अखरी, प्राथमिक विद्यालय रामपुर मथुरा, प्राथमिक विद्यालय सीआरपुर शामिल हैं। इन स्कूलों में बाढ़ का पानी भर जाने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो गई है और ग्रामीणों पर खतरा मंडरा रहा है।